अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नए साल पर बधाइयां देने का सिलसिला लगातार जारी है। सियासी लोग अपने अपने सियासी सूरमाओं को बधाइयां देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, साथ ही राजनीति में बेहतर मकाम हासिल करें ये दुआ भी दे रहे हैं। लखनऊ के सपा कार्यालय पर भी कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिला, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बधाई देने वाले तमाम लोग पहुंचे। अखिलेश यादव के समर्थक लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से सपा के समर्थन में लखनऊ पहुंचे थे और बधाइयां दी। लखनऊ में जहां अखिलेश यादव को नए साल की बधाइयां दी, साथ ही 2022 विधानसभा चुनावों के लिए ऑल द बेस्ट कहा। इस मौके पर बधाई देने वालों ने जहां प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा, वहीं अखिलेश यादव के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में ना तो लोग सुरक्षित हैं और ना ही संविधान सुरक्षित है। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते कभी किसी भी तरीके की किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन योगी सरकार में प्रदेश के हालात बदतर हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बधाई देने पहुंचे लोगों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। अखिलेश यादव ने सरकार ने जो बिल पास किए उन बिलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। लखनऊ में सपा कार्यालय में जहां अखिलेश यादव को बधाई देने वाले खुश नजर आ रहे थे, वहीं सपा के गीतों को छेड़ता एक बैंड लोगों की खुशियों को दोगुना कर रहा था और लोग जमकर बैंड पर थिरक रहे थे। अखिलेश यादव ने बधाई देने वालों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही 2022 में सभी से समर्थन की अपील की। सपा समर्थकों ने भी 2022 में अखिलेश यादव के फिर से सीएम बनने की बात कही, साथ ही पार्टी के हक में हमेशा काम करने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।